नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। बिहार के लखीसराय में बड़ी रैली होनी है और रैली को संबोधित करें उससे पहले सत्ता पक्ष के द्वारा अमित शाह से कई सवाल पूछ लिए गए हैं। राजधानी पटना के सड़कों पर किस प्रकार से पोस्टर लगे वो भी आपने देखे, और किस प्रकार जदयू के नेता अमित शाह के आने से पहले सवाल दाग रहे हैं वो भी आपने देखा। अभिषेक झा का बयान हमने आपको सुनवाया। लेकिन अब जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने बड़ा सवाल उठा दिया है। यूं कहें कि अमित शाह जिस धरती पर आ रहे हैं उस धरती से जुड़ा एक ऐसा यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया है जिस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। दरअसल नीरज कुमार ने सोशल मीडिया पर अमित शाह से बहुत कुछ पूछा है। क्या कुछ लिख रहे हैं जरा पहले आप वो देखिए। सबसे पहले तो उन्होंने लिखा है कि लखीसराय की पवित्र भूमि स्वामी सहजानंद सरस्वती और पंडित कार्यानंद शर्मा जैसे विभूतियों से किसान आंदोलन की उर्वरा भूमि रही है। क्या अमित शाह जी इस विभूतियों को राष्ट्रीय सम्मान देंगे? इसके साथ ही उन्होंने अमित शाह को इसमें टैग भी किया है, और इसके साथ ही बिहार बीजेपी के नेताओं को भी टैग किया है, और बीजेपी को भी टैग करते हुए उन्होंने आगे भी लिखा है। क्या कुछ लिख रहे हैं और बड़ा सवाल, इसके बाद उन्होंने बड़ा सवाल उठा दिया है। क्या सवाल उठाया है? रेलवे से जुड़ा कौन सा ऐसा प्रश्न है जो पूछ रहे हैं, जिसका जवाब चाहिए वहां की जनता को भी और बिहार के नेताओं को भी। देखिए, नीरज कुमार लिखते हैं कि रेलवे राजनीति कोविड से कब मुक्त होगा? बढ़िया में कोविड से पहले बहुत बड़े पैमाने पर गाड़ियां रुकती थी, लेकिन अब नहीं रुकती हैं। उन्होंने ट्रेनों के नाम भी गिनाए हैं, टाटा थावे एक्सप्रेस, टाटा कटिहार एक्सप्रेस, न्यू फरक्का एक्सप्रेस, सियालदह बलिया एक्सप्रेस, भागलपुर लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट। आंदोलन हुआ, नतीजा सिफर, घोषणा करें रुकेगी या नहीं। देखिए, बढ़िया में जो ट्रेनों के रुकावट की बात है, ट्रेनों के रुकने की जो बात चली आ रही है, वो लंबे समय से आंदोलनरत लोग भी रहे हैं। कोविड के बाद ऐसा हुआ, कोविड से पहले वहां गाड़ियां रुकती थी, गाड़ियों का परिचालन होता भी था और वहां ट्रेनें रुकती थी, लेकिन कोविड के बाद ऐसा हुआ कि अब बढ़िया स्टेशन पर गाड़ियां नहीं रुकती हैं, जिनमें प्रमुख ट्रेनों के नाम नीरज कुमार ने गिनाए हैं। अब सवाल पूछ रहे हैं कि कोविड से बाहर कब आएगा, कौन सा कोविड, राजनीतिक कोविड से बाहर रेलवे कब आएगा? और चूंकि आप लखीसराय की धरती पर आ रहे हैं, आसपास के इलाके वाले आपसे ये सवाल पूछेंगे, बढ़िया वाले आपसे ये सवाल पूछेंगे, आपको उसका जवाब क्या देना चाहिए? अमित शाह बिहार दौरे पर बार बार आते हैं, तो उससे पहले देखिए सवालों की झड़ी लगती है। पूछा जाता है कि आप आते हैं, वादे करके जाते हैं, पिछला वादा भी याद दिलाया जाता है। जब बिहार की धरती पर ही अमित शाह की रैली हुई थी, उस दौरान उन्होंने कई सारे वादे किए थे, लेकिन पिछली दफा जब अमित शाह बिहार आए थे तो उन्होंने सिर्फ राजनीति की बातें की और बिहार के लिए कुछ भी नहीं कहा, जिस पर भी सियासत हुई। अब ऐसे में अमित शाह एक बार फिर बिहार दौरे पर हैं, लोकसभा चुनाव से उसी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन उससे पहले कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब बिहार के लोगों को चाहिए, जिसका जवाब बिहार के नेताओं को चाहिए, जिसका जवाब बिहार के सत्ता पक्ष को चाहिए, और यही सवालों को जो है नीरज कुमार जदयू के जो एमएलसी है उन्होंने उठाया है। नीरज कुमार बार बार कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए अमित शाह जी, अगर आप आ रहे हैं बिहार में तो यहां की समस्याओं पर बात करिए, यहां के जो मुद्दे हैं उन पर बात करिए, चूंकि आप देश के गृह मंत्री हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, ऐसे में आप बताइए कि राजनीतिक कोविड से आखिर रेलवे बाहर कब आएगा, बढ़िया स्टेशन पर ट्रेनों के रुकने का सिलसिला कब शुरू होगा, जो कि कोविड के बाद से ही लगभग ही के बराबर हो गया है। जवाब क्या देंगे अमित शाह, इसका भी इंतजार रहेगा। लखीसराय में बड़ी रैली होनी है, लोगों को संबोधित करेंगे, लेकिन इस दौरान जो प्रश्न हैं उनके उत्तर क्या निकलकर सामने आते हैं वो भी देखना होगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।